नमस्कार, सत्यम समाचार में रेनू राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रशासन की कच्ची शराब के खिलाफ छापामार कार्रवाई से कच्ची शराब के धंधे खोरों की कमर टूटती नजर आ रही है। बीते दिन एक बार फिर सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नवीन गल्ला मंडी क्षेत्र गिहार कॉलोनी पर छापामार कार्रवाई की। प्रशासन, पुलिस और आबकारी के संयुक्त प्रयास के चलते आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके चलते सदियों से कच्ची शराब के गोरख धंधे में लिप्त करीब 200 परिवारों ने एक साथ सड़क पर उतरकर घर में बन रही कच्ची शराब को फेंक दिया और हमेशा के लिए तौबा कर लिया है और प्रशासन को आश्वस्त किया जीवन में कभी भी यह गलत काम नहीं करेंगे, साथ ही मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करेंगे। वहीं गिहारियों के इतने बड़े त्याग के बाद अधिकारियों की तरफ से इन सभी को भरोसा दिलाया गया कि भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशासन आपकी भरपूर मदद करेगा। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि गिहारियों का यह बहुत बड़ा कदम है और जिला प्रशासन भी गिहारियों के इस कदम में सहयोग कर रहा है। आज हम लोगों ने, मैं, सीओ साहब, डीओ साहब और कोतवाल साहब यहाँ मैनपुरी के मंडी समिति के सामने जो गिहार कॉलोनी, वहाँ पे सूचना थी कि कच्ची शराब बनाई जाती है और आज पूरी टीम को लेकर हम लोगों ने छापेमारी की है और वहाँ पर 9 लोग गिरफ्तार किए हैं, 9 महिलाएँ जो इस तरह के काम में लिप्त हैं। अब वहाँ से 125 लीटर कच्ची शराब, जो तैयार शराब थी, बरामद हुई है और लहन लगभग 8000 लीटर था, इसको भी नष्ट करा दिया गया मौके पर। कई जगहों पर ये पाया गया कि ज़मीन में गड्ढा करके उन लोगों ने लहन गाड़ रखा था, उसको भी खोद के निकाला है और उसको नष्ट कराया गया है। और शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि चूल्हा, सिलेंडर इत्यादि वहाँ से बरामद किए गए हैं और सभी के खिलाफ जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की है। कितने महिला, कितने पुरुष सर पकड़े गए? 9 महिलाएं आज पकड़ी गई हैं, पुरुष कोई नहीं पकड़ा गया। लगातार कुछ प्रशासन की जा रही है और लोग जो महिलाएं आई, प्रशासन ने कोशिश की है, माल खपत कहाँ किया जा रहा है उसकी जानकारी की जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी जहाँ कुछ आउटलेट्स इस तरह के थे हम लोगों के, वो पिछली बार उन्होंने छापेमारी की, उनको नष्ट कराया था उन आउटलेट्स को। अब दोबारा से हम लोग फिर दिखवा रहे हैं कि आखिर ये माल यहाँ से बन के जाता है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जैसे उसकी सूचना मिलेगी हम उसको भी कराएंगे कार्रवाई उसके खिलाफ। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनपुरी। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर, एक्सीडेंट एवं कंसॉर्ट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।